साथियों, आज बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम सिंधखेड राजा महाजिजाऊ की नगरी में प्रवेश कर गया है। सबसे पहले महाजिजाऊ की स्मृति में अभिवादन करते हुए और समस्त महामानवों को अभिवादन करते हुए आज ये जो परिवर्तन यात्रा सिंधखेड़ राजा में आई है, जो 20 अप्रैल को नागपुर से इसकी शुरुआत हुई, नागपुर से भंडारा, भंडारा से गोंदिया, गोंदिया से गढ़चिरौली, गढ़चिरौली से चंद्रपुर, चंद्रपुर से वर्धा और वर्धा से अमरावती, अमरावती से यवतमाल, यवतमाल से नांदेड़, नांदेड़ से परभनी और परभनी से हिंगोली, हिंगोली से वाशिम, वाशिम से अकोला और अकोला से बुलढाणा, इतने सारे जिलों में ये परिवर्तन यात्रा चलते हुए प्रवेश करते हुए 367 तहसीलों में संदेश देकर 44,000 गांवों में हमारे लोगों ने जनसंपर्क किया या आने वाले समय में करने वाले हैं। तो 42 दिन के बाद यह परिवर्तन यात्रा पुनः शहर में पहुंचेगी, क्योंकि भीमापुरी गांव से जो मामला शुरू हुआ और उस कार्यक्रम को जो 200 सालाना कार्यक्रम था उसे उसमें फसाद करवाया गया, जिन लोगों ने फसाद करवाया वो लोग छुट्टे घूम रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी भयंकर स्थिति है, भयंकर परिस्थिति। ये जो भयंकर स्थिति है, कानून और संविधान होने के बावजूद भी कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये सारी स्थिति हो रही है, निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज देश में 3.5% ब्राह्मणों का समस्त लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है और इस कब्जे की वजह से इस देश में मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाकर रख दिया गया है। मगर सबसे दुखद बात यह है कि गुलामों को इसका कोई एहसास नहीं है। एहसास तो एहसास, इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का जो पहला मकसद है वो ये है कि हम लोग बहुत बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालना चाहते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, और कम से कम 6 महीने तक लगातार चलने वाली परिवर्तन यात्रा निकालना चाहते थे। ये जो परिवर्तन यात्रा हम निकालना चाहते थे, तो इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा जो 6 महीने तक चलेगी और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्य भारत से 5 और पूरक सप्लीमेंट्री यात्राएं निकलने वाली थी, और वो जो मुख्य यात्रा 6 महीने में चलने वाली थी उसमें अपने अपने गंतव्य पर विलीन होने का कार्यक्रम था,
अगर इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा जिसमें 500 से लेकर 550 जिले, 31 राज्य और 3,500 तहसील और 22,000 ब्लॉक और 1,50,000 गांवों को कवर करने का कार्यक्रम था, तो इतना बड़ा जो परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है, इसको करने के लिए हमारे पास कोई तजर्बा कोई अनुभव नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया कि पहले एक छोटी यात्रा 42 दिन की यात्रा निकाली जाए और निकाल कर तजर्बा और अनुभव हासिल किया जाए, और वो अनुभव हासिल होने के बाद फिर 6 महीने की बड़ी यात्रा और भारत के 5 और महत्वपूर्ण सेंटर से पूरक और सप्लीमेंट्री यात्राएं निकाल कर जब ये यात्रा निकलेगी, कन्याकुमारी से कम 200 फोर व्हीलर गाड़ियां साथ में रहेगी और 5 जो पूरक परिवर्तन यात्राएं अपने अपने गंतव्य पर जब विलीन होगी, तो 1,000 फोर व्हीलर गाड़ियां इस यात्रा में लगातार सारे देश भर में चलेगी। ये जो इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हम सारे देश भर में चलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये करने के लिए हमारे पास तजर्बा नहीं था, इसलिए 42 दिन की यात्रा निकाली गई है। दूसरा परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि जैसे इस परिवर्तन यात्रा का नाम है परिवर्तन, तो लक्ष्य भी परिवर्तन है, उद्देश्य भी परिवर्तन है। तो किसमें परिवर्तन करना होगा ये हमें जानना होगा। तो आज देश में 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा देश की समस्त लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये कब्जा किया, इसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसकी जानकारी लेनी होगी कि आखिरकार उन लोगों ने किस तरीके से कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा किया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद प्रथम लोकसभा का चुनाव 1952 को हुआ। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। तो इस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और आजाद भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूट संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ये भयंकर काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान धर्मनिरपेक्ष, बच्चों का चाचा, हम अपने सभी चाचा को कभी कभी चाचा कहते हैं, मगर नेहरू को हमेशा चाचा कहते रहते हैं। ये चाचा ने भतीजों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, भतीजों को पता ही नहीं है कि धोखा किया। तो भतीजों को तो बताना पड़ेगा ना, चाचा ने धोखा किया, इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब 3.5% ब्राह्मणों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें दी, तो 56% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। ये संवैधानिक मर्यादाओं का पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से उल्लंघन था। इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये जानकारी बहुत सारे लोगों के पास है नहीं। 1952 में आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, जब ये चुनाव हुआ तो बॉम्बे से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे
तो क्या हुआ, नेहरू ने उनके ही संगठन के कार्यकर्ता को तोड़कर उनके खिलाफ लड़ने के लिए टिकट दिया। तो उसने कहा कि मेरे पास तो लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो नेहरू ने काजरोलकर को कहा, जो सातवीं फेल थे, कहा कि कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें पैसा भेज दूंगा। नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपया भेजा, जिसकी आज के तारीख में कीमत 2.5 करोड़ रुपया होती है। अगर आज आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, तो 70 लाख रुपया खर्चा करने की लोकसभा के लोग चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति है। कानूनन 70 लाख खर्चा कर सकते हो, मगर मुंबई में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 25,000 रुपया काजरोलकर को नेहरू ने भेजा, तो काजरोलकर ने नेहरू जी को पूछा, नेहरू जी चुनाव आयोग तो केवल 2,000 खर्चा करने के लिए अनुमति देता है, आपने 25,000 रुपया चुनाव लड़ने के लिए भेजा। तो नेहरू ने काजरोलकर तो डांटते हुए कहा कि 2000 में अंबेडकर को चुनाव हरवाओगे, गधे हो क्या, अकल नहीं है, 2000 में हरवा दोगे। तो चुनाव हरवाने के लिए पैसा भेजा गया और फिर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया। जब काजरोलकर चुनाव जीत गए तो बाबा साहब अंबेडकर के दादर के घर में गए और काजरोलकर ने बाबा साहब को कहा कि मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मैं जीत गया इसकी मुझे खुशी नहीं है, आप हार गए इसका मुझे कम दुख, मगर आप आशीर्वाद दोगे तो ही मैं लोकसभा की बैठक में जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। तो आशीर्वाद लेने के लिए आए। बाबा साहब अम्बेडकर के पास उनके जीवनीकार एडवोकेट चांददेव खैर मोड़े बैठे थे। तो काजरोलकर ने ये 25,000 का जो किस्सा है वो सारा किस्सा चांददेव खैर मोड़े को बताया। तो चांददेव खैर मोड़े ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र लिखा, उस जीवन चरित्र में ये सारा किस्सा लिखा हुआ है। तो इससे ये मालूम होता है कि आजाद भारत में प्रथम चुनाव जो लोकसभा का हुआ, वहां से चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का सहारा लिया। तो आज चुनाव भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं होता है तो चुनाव में होता है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण, अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच कहां से बना सकते, कहां से बनाए। जो लोग देश के पंचायत का, गांव के पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये जो परिस्थिति आज देश में पैदा हुई है, ये परिस्थिति बहुत भयंकर है और ये कानून और संविधान के विरोध में सारा का सारा खेल हो गया। आपको सुनकर और एक हैरानी होगी, जब संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, कानून बनाकर ब्राह्मणों के लिए जो अनुकूल वातावरण बनाया गया, इस अनुकूल वातावरण का परिणाम ये है कि आज देश में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की, केवल 1952 में ब्राह्मणों की एक नेशनल कांग्रेस थी, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई और बनाने के बाद इन ब्राह्मणों ने जो महादेव गोविंद रानडे थे उनको कहा कि ज्योतिराम फुले को भी कांग्रेस में ले आओ। नेशनल कांग्रेस को हिंदी में राष्ट्रीय सभा या मराठी में राष्ट्रीय सभा कहा जाता था। जब रानडे जी ज्योतिराम फुले के पास गए
और कहने लगे कि आपको कांग्रेस में जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ये देश की आजादी कहीं लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया संगठन। ज्योतिराव फूले ने रानडे को कहा, अरे ही कसली राष्ट्रीय सभा, ही तर भटांची सभा, मी या भटांच्या सभेमध्ये जाणार काय। अरे ही बात ही ज्योतिराव फुलेंनी लिहून ठेवली, निश्चितपणे आम्हाला ही समजतं, ही माहिती जी आमच्या पूर्वजांनी लिहून ठेवली ती आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांना ही माहिती मिळाली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना हा इतिहास स्पष्टपणे कळेल। इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों ये जानकारी आपको दे रहा हूं। ज्योतिराव फूले कांग्रेस में जाने से इनकार किया। शाहू महाराज के पास बाल गंगाधर तिलक गए और शाहू महाराज को बाल गंगाधर तिलक ने कहा, महाराज आप बहुत लोकप्रिय है, अरे आपके सारखे लोकप्रिय राजे जर या कांग्रेस मध्ये सहभागी झाले तर कांग्रेस या संघटनेची फार मोठी भरभराट होईल। तेव्हा आपल्यासारख्या राजांनी कांग्रेस मध्ये सहभागी व्हायला। शाहू महाराज तिळकांना म्हटले, तिळक महाराज अहो तुम्ही भामन लोक माझ्यासारख्या राजाला सुसू देत नाही, तुम्ही भामन लोक माझ्या सारख्या राजाला सुसू देत नाही, आणि माझा जो थोडा भाबडा बहुजन समाज आहे तो जर काँग्रेस मध्ये आला तर तुम्ही त्यांचा काय सत्यानाश कराल याचा विचार करूनच माझ्या अंगावर काटे। नको नको नको, मी तुमच्या काँग्रेस मध्ये जायला तयार नाही, जाऊ जाऊ। शाहू महाराज यांनी काँग्रेस मध्ये जायला नकार दिला। लाला लजपत राय अमेरिकेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांना जाऊन भेटले, म्हटले की तुमच्या सारखे विद्वान लोक काँग्रेसमध्ये यायला पाहिजे। बाबासाहेबांनी लाला लजपत रायला म्हटलं, सयाजीराव गायकवाडांनी मला स्कॉलरशिप दिलेली आहे शिक्षणासाठी, जोपर्यंत शिक्षण पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत मी कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही। शिक्षण संपवून बाबासाहेब आंबेडकर मुंबईला आले, पुन्हा मनाला लजपत राय पंजाबवरून बाबासाहेब आंबेडकरांना भेटायला आले आणि म्हटलेत की आता तुम्हाला काही अडचण राहिलेली नाही, तुम्ही काँग्रेसमध्ये सहभागी व्हा। तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाला लजपत राय यांना सांगितलं की काँग्रेसचा सिद्धांत मला मंजूर नाही, काँग्रेसने जो हा सिद्धांत बनवलेला आहे की इंग्रजांनी भारतीयांना गुलाम बनवलेला आहे हा सिद्धांत मला मान्य नाही। इंग्रज भारतामध्ये येण्याच्या 2-2.5 वर्ष ब्राह्मण भारतामध्ये आले आणि इंग्रजांच्या येण्या अगोदर पासून या देशामध्ये ब्राह्मणांनी या देशातील शूद्र आणि अतिशूद्र लोकांना आपल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेमध्ये गुलाम बनवून ठेवलेला आहे आणि तुम्ही फक्त इंग्रजांच्या गुलामगिरीमध्ये मुक्त करण्याचा सिद्धांत सांगता, हा सिद्धांत मला बिलकुल मंजूर नाही आणि मी तुमच्या या सिद्धांताला मान्य नसल्यामुळे काँग्रेसमध्ये येणार नाही। जेवढे कोणी समजदार लोक होते ते समजदार लोक त्या कालावधीमध्ये काँग्रेसमध्ये गेले नाही। मग कोणते लोक काँग्रेसमध्ये गेले त्या बाबतीमध्ये मी काही प्रतिक्रिया न देता तुमच्यावर सोडून दे। मद्रास प्रोव्हिन्स मध्ये एरिया रामस्वामी जनरल सेक्रेटरी होते स्टेट मद्रास प्रोव्हिन्स मध्ये आणि त्यांनी त्या ठिकाणी ब्राह्मणवाद विरोधी जेव्हा आंदोलन सुरू केलं त्यावेळेस ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन सुरू केल्यानंतर गांधीजी काँग्रेसचे नेते होते और गांधीजीने पेरियार को चिठ्ठी लिखी और कहा कि ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाना ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, आप ये आंदोलन छोड़ो। पेरियार ने 1925 को कोयंबटूर के पास एरोड नाम का एक शहर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया
और कहा कि गांधी जी ने मुझे चिट्ठी लिखा है ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन छोड़ने के लिए, तो मैं आज अपना फैसला घोषित करने वाला हूं कि मैं ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन छोड़ने वाला नहीं, मैं आज कांग्रेस छोड़ने वाला हूं, ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन छोड़ने वाला नहीं, मैं आज कांग्रेस छोड़ने वाला। और गांधी जी इसी तरह से आंदोलन करते रहे तो देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, देश में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, ये खतरा है, ये मैं जानता हूं आने वाले समय में ऐसा होगा। तीसरी बार पेरिया राम स्वामी ने कही कि मैं आज प्रण करता हूं, संकल्प करता हूं, डिटर्मिनेशन करता हूं, निश्चय करता हूं, एज पर एज कंसर्न ऑफ मद्रास प्रोविंस और तमिलनाडु, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु राज्य समंदर के किनारे बसा हुआ है, तो मैं प्रण करता हूं कि जहां तक तमिलनाडु का सवाल है कांग्रेस को समंदर में डुबा। आज आप लोगों को पता नहीं है तमिलनाडु में या तो डीएमके की सरकार होती है या तो डीएमके की एआईडीएमके की सरकार होती है, और पेरियार ने वहां कांग्रेस को डुबाने का जो संकल्प किया था सबल करके दिखाया। आप लोग सोचते होंगे बड़ी अजीब बात है भाई, आप कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो और बीजेपी के बारे में अभी आप कुछ बोल नहीं रहे हो। साथियों, ये बीजेपी के जो लोग हैं ये तो नंगे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, खुल्लम खुल्ला बदमाश लोग हैं, ये खुले खुले बदमाश हैं, और खुल्लम खुल्ला बदमाश होने की वजह से सभी लोगों को पता है तो खुल्लम खुल्ला बदमाश लोग हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला बदमाश लोग हैं, ये नंगे लोग हैं, लोगों को मान समझ में आ रहा है सारे देश भर में, मगर कांग्रेस के लोग मीठी बात बोलते हैं, हमारी ही बोली बोलते हैं, हमारी ही भाषा बोलते हैं, सत्ता पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद पीठ में चूरा भोंकने का काम करते हैं। इसलिए ये ऐसे मीठे बोलने वाले लोगों के बारे में जानकारी आपके पास है नहीं, जो बदमाश लोग हैं उसकी तो खुल्लम खुल्ला जानकारी है, और जो मीठे मीठी गोड़ बोले, जो गोड़ बोले लोग हैं इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो मैं जो सादा बदमाश, जो ज्यादा बदमाश लोग हैं, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत और दुनिया वालों को भी वो सिद्धांत मैं बताना चाहता हूं कि जो हिडन एनिमीज ऑलवेज डेंजर देन ओपन एनिमी, जो छुपा हुआ दुश्मन होता है वो खुले हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है, और इसलिए मैं छुपे हुए दुश्मन के बारे में आपको ज्यादा बता रहा हूं। साथियों, दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये बनने के पहले जनसंघ था, बनाना का काम आरएसएस ने किया, तो जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था, ये दूसरा भी संगठन ब्राह्मण था। तीसरी नेशनल लेवल की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरूप डांगे ने बनाई, ये गोकनस्थ ब्राह्मण था, कोबरा ब्राह्मण था, कोबरा के बारे में तो आप लोगों को जानकारी होगी, ये सांप की प्रजाति का नाम है, दसले तो आदमी पानी मांगने के पहले ही उसका राम नाम सत्य हो जाता है, राम नाम सत्य तो कम से कम आप जानते ही होंगे, जो जानते नहीं है उसके लिए बता दूं, राम नाम सत्य जानने के लिए बहुत बड़ा झंझट है, मरना पड़ता है उसके बाद पता चलता है, और बहुत बड़ा झंझट है, इसके लिए उस झंझट में मैं नहीं जाना चाहता। साथियों, जो डांगे है ये कोकनस्थ ब्राह्मण थे, चौथी पार्टी है वो है ईएमएस नंबूदरी पा, ये केरला का नंबूदरी ब्राह्मण है, और इस नंबूदरी ब्राह्मण ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, और आज के तारीख में केरला में उसका मुख्यमंत्री है पिनराई विजय, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। पांचवी ब्राह्मणों की पार्टी जिसको पिछले साल अक्टूबर महीने में चुनाव आयोग ने मान्यता दी, उस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ममता बनर्जी बंगाली ब्राह्मण।
पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां आज 2018 में केवल 3.5% ब्राह्मणों की पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं आप लोगों को पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं इन्हीं पांच पार्टियों का भारत पर कब्जा है, इन्हीं लोगों ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा किया, कानून और संविधान के विरोध में जाकर। जस्टिस सावंत पुणे में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, वो हमारे कई कार्यक्रमों में आकर उन्होंने कहा कि देश में संविधान को सेट असाइड, अंग्रेजी का शब्द है सेट असाइड, संविधान को सेट असाइड, उसका अर्थ है संविधान को साइड में रखकर देश का कारोबार चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, केवल मैं नहीं कह रहा, और ये बात आज बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, मगर जस्टिस सावंत का भाषण जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि सेट साइड करके देश का कारोबार चलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है। 1954 की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों के नाम रिजर्वेशन के विरोध में गुप्त चिट्ठी लिखी, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री होने के बाद मुख्यमंत्रियों के नाम गुप्त चिट्ठी लिख रहा है, संविधान की जिसने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद संविधान के विरोध में जाके काम कर रहा है, तो ये जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो काम ये जो हम काम कर रहे हैं ये काम हम परिवर्तन की यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं, कोई हाजी हाजी करने का काम करने के लिए परिवर्तन यात्रा नहीं निकाली है, कोई पिछलग बनने और बनाने के लिए लोगों को पिछलग बनने और बनाने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा, तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए साथियों जब देश पर पांच ब्राह्मणों के नेशनल लेवल की पार्टियों का कब्जा हो गया तो हमारे कुछ लोगों ने हमारे मित्रों ने कहा कि मैं शांति आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप चिंता करते हो तो जरूरत नहीं है चिंता करने की, चुनाव में बदल दें, अगर आज ब्राह्मणों का राज है चुनाव आएगा बदल दें, आप चिंता मत। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव के द्वारा ये जो ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, कब्जा कर दिया गया है, ये कब्जा पर कब्जा को चुनाव से नहीं बदला जा सकता, चुनाव से इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। आप बोलेंगे कैसे, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, चलो ये केवल हाइपोथेसिस नहीं प्रैक्टिकल बताता हूं। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, 2004 में चुनाव हुआ, कांग्रेस की 4 में सरकार आई, वो 2014 तक रही, 14 में चुनाव हुआ, चुनाव में बीजेपी की सरकार आई, इसका मतलब है बीजेपी की 99 से 2004 में सरकार गई, 2004 में कांग्रेस की आई और फिर 2014 में बीजेपी की आई, इसका मतलब है कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी और बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, तो फायदा होगा, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, क्या चेंज आ गया, कौन सा चेंज भारत के ऊपर थोप दिया गया कि कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी है वो जाएगी तो बीजेपी नाम का ब्राह्मणों की पार्टी आएगी, ये नाम का ब्राह्मण जाएगा बी नाम का ब्राह्मण आ जाएगा, बी नाम का ब्राह्मण जाएगा ए नाम का ब्राह्मण आ जाएगा,
तो चुनाव से बदलोगे कैसे? ब्राह्मण तो सर पर बैठा हुआ बैठा रहेगा, बदलोगे कैसे? काशीराम जी कहा करते थे नागनाथ और एक सापना था, नागना डस ले तो मरना तय है, सापना डस ले तो घंटा डेढ़ घंटे बाद वो भी मरना तय है। तो इन लोगों ने हमारे बारे में जो 2-3 हजार साल की दुश्मनी पाली है, ब्राह्मण कोई 2-4 साल का दुश्मन है क्या हमारे लोगों का, मूल्यवासी बहुजनों का? ये 2-3 हजार साल का दुश्मन है और इसने हमारे साथ जो दुश्मनी पाली है तो ये कोई 2-4 साल की नहीं है, ये बहुत संकल्पवान दृढ़ निश्चय शत्रु है। और ये दृढ़ निश्चय शत्रु है मेरे शब्द नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये तो दृढ़ निश्चय शत्रु है, यानी आपसे शत्रुत्व छोड़ने वाला नहीं है। कल की बात ले लो, फडणवीस मुख्यमंत्री है, हम विमान को गांव में शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे 2 साल का, ये 500 हमारे मूलवासी बहुजनों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मार। अब इतिहास से क्या कहे, अब इतिहास में 27,000 को मैं बोल नहीं सकता, 28 को मारा तो 28,000 ही बोलना पड़ेगा। अब 500 बहुजनों ने मारा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 500 एक ने मारा, जितना है उतना ही बोल रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। और अगर हम ये शांतिपूर्ण तरीके से संविधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कि संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए मौलिक अधिकार दिया, उसके तहत ये काम हम कर रहे हैं, तो वो काम ना कर सके सरकार प्रायोजित फसाद करवाया गया, सरकार प्रायोजित फसाद करवाया गया। ये जो फसाद 1 तारीख को जो फसाद दिमाग कोरेगांव में किया सरकार प्रायोजित फसाद था। ये इधर माइक पर ऐलानिया बोल रहा हूं और ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा और मेरी आदत बगैर सबूतों के बोलने की नहीं है, मेरे पास बहुत सारे सबूत है, मैं आपको एक सबूत बताता हूं। मुख्यमंत्री जिस मंत्रिमंडल का मुखिया है उस मुखिया के एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री, 2 मंत्री भीमा कोरेगांव में उपस्थित थे। वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया, मॉर्निंग की बात थी, कहा कि इधर फसाद चल रहा है और वहां पुलिस फोर्स नहीं है और जो है वो बहुत अपर्याप्त है और जो अपर्याप्त है वो डंडे लेके केवल खड़े हैं और लोग उत्पात मचा रहे हैं और पुलिस वाले केवल देखने का काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भी काम नहीं कर रहे हैं, आप पुलिस फोर्स बढ़ाओ। मुख्यमंत्री ने उनको टेलीफोन पर कहा ठीक है मैं विचार करता हूं। रात के 9-10 बजे तक फसाद रेगुलर चलता रहा, मुख्यमंत्री ने वहां कोई पुलिस फोर्स नहीं बढ़ाया, इसको सबूत नहीं माना जा सकता। आप लोगों को सुनकर और हैरानी होगी, वो जो मंत्री टेलीफोन कर रहे थे तो उसके आजू बाजू हमारे कार्यकर्ता ही खड़े थे, हमारे पास तो सबूत है, गवाह है। तो ये सारा का सारा सरकार ने हाईकोर्ट का जज छानबीन करने के लिए घोषित किया, आप लोगों ने सुना होगा। मगर घोषित करने के बाद जब इंक्वायरी शुरू होने वाली थी तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषित किया नहीं, भीड़ सबसे मन खाली इंक्वायरी करने के पहले भीड़े को क्लीन चिट दे दिया मुख्यमंत्री ने, तो हमें समझ में आ गया कि केवल भीड़े ही उसमें शामिल नहीं था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी उस दंगल में शामिल था। ये मैं यहाँ माइक पर बोल रहा हूँ और कुछ ज्यादा समय नहीं है, अभी 2-4 महीने में ये हाईकोर्ट में मामला सबूतों के साथ मुख्यमंत्री के विरोध में जाए, हर हालत में जाएंगे, हर परिस्थिति में जाएंगे और बख्शेंगे नहीं। जब विमान खुले गांव में हमारे पुरखों ने नहीं बख्शा तो हम खुश होंगे, हमारे अंदर भी वही खून है, ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी गर्म, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं किसी को। हम तो कानून के दायरे में लेकर काम कर रहे हैं, हम संविधान के दायरे में लेकर काम कर रहे हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, कभी भी हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया।
और जिस किसी ने उल्लंघन करने की कोशिश की और वो अगर हमारे संदर्भ में है तो हमने उसको छोड़ा नहीं। इसलिए साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, ये आने वाले समय में समाज के लोगों ने प्राइवेट ट्रिब्यूनल के पब्लिक ट्रिब्यूनल होता है, हाई कोर्ट के जज प्राइवेट ट्रिब्यूनल होता है, जस्टिस सावंत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उनके मार्गदर्शन में हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा इंक्वायरी हो रही। सरकार नहीं कर रही तो जनता को करने का अधिकार है। बहुत सारी जानकारी आपको है नहीं, अगर सरकार इंक्वायरी नहीं कर रही तो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है, और एक बात बता, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं वो मरने तक जस्टिस ही रहते, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वो उनकी इंक्वायरी समाज के लोग कर रहे हैं और वो सब जुडिशियल इंक्वायरी में पब्लिक ट्रिब्यूनल में हम लोग हमारे पास जो सबूत है वो सारे सारे उसमें जमा करेंगे और जज को भी हम पूछेंगे इसमें कोई गलत बात आपको लगती तो हमको सवाल पूछो, सारी जानकारी सारे सबूतों के साथ देंगे। साथियों ये जो बात मैं आप लोगों को सबूत के तौर पर बता रहा हूं, जानकारी के लिए बता रहा हूं, कि आज देश में जो ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है, ब्राह्मण राज शब्द का अर्थ होता है जो रूल ऑफ लॉ नहीं मानता। लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, कायद्याचं राज्य, रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में ब्राह्मण राज रहेगा रूल ऑफ लॉ नहीं रह सकता, एक साथ दो चीजें नहीं रह सकती। ब्राह्मण राज रहेगा रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, और रूल ऑफ लॉ रहेगा तो ब्राह्मण राज नहीं रहेगा, यकीन के साथ कहा जा सकता है। और इन सिद्धांतों के बारे में हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। साथियों दूसरी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको ये बात समझ में आ गई, ये चुनाव के द्वारा ब्राह्मण राज को बदला नहीं जा सकता, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, यानी ब्राह्मण सत्ता में परिवर्तन तो होगा मगर शासक जाति में परिवर्तन नहीं होगा। ब्राह्मण शासक जाति है वो बरकरार रहेगा। 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था और अंग्रेजों की जगह आज ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी भारत को आजादी हासिल करने के लिए मूल निवासी बहुजनों ने, कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला जाए और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का उपहार हो जाए। इस बात को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन शहीदों ने देश को आजादी हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी उन लोगों ने इसलिए तो कुर्बानियां नहीं दी थी, एक विदेशी चला जाए और दूसरा विदेशी देश का अपमान हो जाए, बिल्कुल इस बात को माना नहीं जा सकता। इसलिए साथियों ये जानकारी आपको दी जा रही है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं अभी भी, कहते हैं कि देश में अभी लोकतंत्र है, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं देश में लोकतंत्र नहीं, देश में लोकतंत्र नहीं है, और मैं कोई भी बात अगर सबूत की बात नहीं करता हूं, मैं आपके सामने सिद्ध कर देता हूं देश में लोकतंत्र नहीं है। दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वो चार पिलर पर खड़ा होता है, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और मीडिया। विधायिका में संसद और राज्यों की विधिमंडल होती है, कार्यपालिका में आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी से बनती है, जुडिशियरी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बनती है, और मीडिया चार प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और वोकल मीडिया, चार प्रकार का मीडिया है। तो आपको मैं बताना चाहता इसे समझने के लिए, जो देश आज के तारीख में जो देश में संसद है 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था,
आउट ऑफ 543 के अंदर 2014 में 543 में से ब्राह्मणों के पार्टी का 411 सीटों पर कब्जा। आज चुनाव आयोग का आंकड़ा जाकर देख लो, लोकसभा सेक्रेटरिएट का आंकड़ा जाकर देख लो, जो कह रहा हूं मानो मत, मेरी बात कर लो। तो विधायिका पर, संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा। नंबर दो, कार्यपालिका। मैं 2016 में शरद यादव के घर में गया था, बड़े नेता हैं उत्तर भारत में, तो उन्होंने मुझे कागज दिया। मैंने पूछा क्या है, कहा कि कार्मिक मंत्रालय को सवाल पूछा था, लिखित जवाब दिया, तो उसमें लिखा था 79.2% प्रथम श्रेणी के IAS IPS IRS अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम, 79.2%, राउंड अबाउट 80% कार्यपालिका पर ब्राह्मण तत्सम उच्च जाति का कब्जा। तीसरा है जुडिशियरी, 97% हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों का कब्जा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा एरोगेंटली काम कर रहा है, चार चार सीनियर चीफ जस्टिस के बाद के जो सीनियर जज है उन्होंने इसके विरोध में लिखने के बाद उस आदमी ने एरोगेंसी नहीं जोड़ी। उसे पता चलता है कि किस तरह का देश का कारोबार चल रहा है। और चौथा जो मीडिया है, वो चौथा पिलर जो है मीडिया, जो चारों प्रकार का मीडिया है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और ये जो कब्जा है, चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। यदि चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है तो लोकतंत्र का राजाशाही में एकाधिकार राजा का होता था और लोकतंत्र में ब्राह्मण का हो गया। इसका मतलब है एकाधिकार पहले राजा का था, अब ब्राह्मण का हो गया, इसका मतलब है कहां है लोकतंत्र। और अगर लोकतंत्र अगर लोकतंत्र इस तरह से खत्म कर दिया गया है और ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है तो हम लोगों को इसमें परिवर्तन करना होगा। और परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा कि ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांट दिया। ये बांटे बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं। ये बांटे हुए लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा और जोड़ने से शक्ति का निर्माण करना होगा, क्योंकि कमजोर लोग ताकतवर लोगों के विरोध में अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का निर्माण करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा तो परिवर्तन होगा। तो इसलिए विवेकपूर्ण तरीका क्या है कि शेड्यूल कास्ट के लोग, इसको समझाने के लिए बताना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के लोग अलग लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग अलग लड़ रहे हैं, नॉमिनी ट्राइब के लोग अलग लड़ रहे हैं, एबीसी के लोग अलग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग अलग लड़ रहे हैं, मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत अलग लड़ रहे हैं, सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। सबको लगता है हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है और अन्याय के ऊपर सभी लोग अलग 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 लड़ रहे हैं। सभी लोग लड़ रहे हैं मगर किसी को भी सफलता नहीं मिल रही है और सबकी पिटाई, सबकी पिटाई क्यों हो रही है, क्योंकि अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर अलग अलग लड़ने से सफलता नहीं मिलती है और अलग अलग लड़ने से यदि आपकी पिटाई हो रही है तो पीटने वाले लोगों के विरोध में इकट्ठा होना जरूरी है। यदि आप इस तरह से इकट्ठा होते हो तो आपको सफलता मिलेगी। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। ये बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आपका बुल्ढाना जिला है, 13 तहसील है, कम से कम 50 संगठन अगर आपने इकट्ठा कर लिया एक तहसील में तो 750 संगठन आप बुल्ढाना जिला में इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि मैं उधर नजदीक का उदाहरण देता हूँ, मंगरूर पीर में लोगों ने 46 संगठन इकट्ठा किया। और मैं वाशिम में गया तो वहां कारंजा में गया तो कारंजा में लोगों ने 55 संगठन इकट्ठा किया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे संगठन है, मध्य संगठन है, बड़े संगठन है, ये हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर इकट्ठा कर लिया आपने 750 इकट्ठा कर लिया तो आपके पास ताकत होगी, शक्ति होगी।
और अगर आप पुलिस चौकी में जाकर एफ आई आर नोट करोगे तो आपकी एफ आई आर नोट होगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस चौकियों को एफ आई आर दाखिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पुलिस चौकियों में एफ आई आर तक दाखिल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है एफ आई आर दाखिल करो। हैरान करने वाली बात है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी घटिया सिस्टम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की है। इसलिए आप अगर इकट्ठा होकर काम करते हो तो आपका चौकी में काम होगा, तहसीलदार में काम होगा, जिलाधिकारी में काम होगा, और अगर आप इकट्ठा नहीं होते हो तो आपको प्रशासन के लोग तो दूर की बात है, कुत्ते भी पूछेंगे नहीं। अगर आप इकट्ठा होते हो तो इकट्ठा होकर जाओगे सरकारी दफ्तरों में तो आपका सम्मान होगा, और अगर नहीं जाते हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा करो, ऐसा करने के लिए आपको जानकारी चाहिए, हम आपको देंगे ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए तजुर्बा चाहिए, क्या चाहिए सारा सारी बातें। 41 साल से काम कर रहा हूं, 19 साल की उम्र से, 61 साल की उम्र है, सारी चीजों का तजुर्बा है, और 31 राज्यों में संगठन है, कोई छोटा संगठन हमने नहीं बनाया, कोई अरे गहरे नत्तक अरे का संगठन नहीं है, एक राष्ट्रीय स्तर का, और 2022 तक 6 लाख गांव का संगठन बन जाएगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा, किसी भी हालत में हो जाएगा, हर हालत में हो जाएगा, हर स्थिति में हो जाएगा, हर परिस्थिति में हो जाएगा, और सफलता और हमारे बीच में केवल मात्र समय का अंतराल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आपका साथ सहयोग मिलेगा, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।